आंदोलन में 2 दिन से जो चल रहा है, बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं और ऐसा बना दिया गया है जैसा ये कोई धार्मिक मामला हो, जैसा ये कोई पंजाब और अन्य स्टेट का मामला हो। इस तरह से बीजेपी का जो आईटी सेल है वो इसमें बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है, और जो जो अंबानी और अडानी का मीडिया है, पूंजीपतियों का मीडिया है, वो इसमें बहुत ज्यादा एकदम सक्रिय हो गया और देश का माहौल एक तरह से बिगाड़ना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं बेनती करूंगा कि इससे बचें, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से ये काम लें कि जो दंगा करने वाले थे वो उनकी फोटो अमित शाह के साथ है, उनकी फोटो मोदी के साथ है, फिर वो कौन लोग हैं जो भीड़ का फायदा उठा के भीड़ को जो है वो इस तरह से करके वहां ले गए, और पुलिस ने क्यों ढील बरती। हमारा जो बैरिकेड था पुलिस ने 11 बजे तक नहीं खोला और उनको 8 बजे पुलिस ने चलता कर दिया। रात को पुलिस अधिकारी आके उन लोगों से मिलते हैं, इसके सारे के पीछे क्या हो रहा है, लाल किला के ऊपर जानबूझ के ढील दी गई। आप वीडियो देखिए, इतनी फोर्स के बावजूद क्या एक आदमी पोल के ऊपर चढ़ जाएगा, जानबूझ के ढील दी गई है। और इसमें जो है इसको धार्मिक रंग इसको दिया जा रहा है, इसको प्रदेश का रंग दिया जा रहा है। मैं बेनती करूंगा इसको संभालिए, अभी मौका है, वरना आंदोलन टूट जाएगा और ये पूरे देश के किसानों का नुकसान हो जाएगा। और हमारा जो सोशल मीडिया वाले भाई हैं वो सारे काम छोड़ के इसको काउंटर करें और बीजेपी की चाल को बताएं, पुलिस की चाल को बताएं। ये षड्यंत्र आपके साथ हो गया आंदोलन को तोड़ने का, और इस षड्यंत्र से आपके पास निकलने का एक तरीका है कि बीजेपी ने अपनी सारी टीम इस काम के ऊपर लगा दी है, और आप भी सारे काम छोड़कर जो सोशल मीडिया वाले भाई हैं वो दिन रात इसी को काउंटर करें और पूरी सच्चाई देश के सामने रखें, ताकि किसी तरह की फूट हमारे आंदोलन में ना पड़े और ये आंदोलन आगे बढ़े। और मैं सभी भाइयों को बेनती करना चाहूंगा कि वो इसके साथ संयम भी बना के रखें और ज्यादा से ज्यादा इस बात को काउंटर करें। धन्यवाद।